हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आरिफ मजहर शेख और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। और आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर के बारे में। अगर आप किसी वजह से अपने सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और उसमें रिमार्क आता है कि आपको फैटी लीवर डिसीज़ है, तो आप डर जाते हैं कि ये कौन सी बीमारी है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फैटी लीवर क्या है, ये होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, फैटी लीवर कितने टाइप के होते हैं और कौन सी होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से हम फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम फैटी लीवर को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए सबसे पहले समझते हैं कि फैटी लीवर क्या है। हमारा लीवर हमारे जिस्म का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है, जो कि हमारे खाने पीने में से ज़रूरी न्यूट्रिशन को निकालने और खून से टॉक्सिक मटेरियल को निकालने का काम करता है। लेकिन कुछ लोगों को फैटी लीवर की समस्या हो जाती है, जिससे लीवर के सही से काम करने की कैपेसिटी पर फर्क पड़ता है। ये बीमारी ज़्यादा सीरियस होने पर इसे हेपेटिक स्टेनोसिस भी कहा जाता है, जिसमें लीवर में ज़्यादा फैट जमने लगता है और लीवर पर सूजन आ जाती है। सूजन की वजह से लीवर डैमेज होने लगता है। कभी कभार फैटी लीवर की ये समस्या आगे चलकर लीवर फेलियर का भी कारण बन सकती है। आइए बात करते हैं फैटी लीवर के टाइप्स के बारे में। फैटी लीवर मेनली दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला आता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़। ये समस्या तब होती है जब आपके लीवर में शराब के सेवन की हिस्ट्री के बिना भी फैट जमने लग जाए और उसकी वजह से लीवर पर सूजन आ जाए। और दूसरा टाइप होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर। ये कंडीशन तब होती है जब आप में शराब के सेवन की हिस्ट्री की वजह से लीवर में फैट जमने लग जाता है और उसकी वजह से लीवर में सूजन आ जाती है। इसके अलावा लीवर की इस बीमारी का एक रेयर टाइप भी है जो बहुत कम देखने को मिलता है, जिसे एक्यूट फैटी लीवर ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है, जो कि आमतौर पर प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में हो सकता है। आइए अब बात करते हैं फैटी लीवर के लक्षणों के बारे में कि मरीज़ में फैटी लीवर की बीमारी होने पर इसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। मरीज़ को फैटी लीवर होने पर उसके जिस्म में इंसुलिन का लेवल बढ़ना, पेट के बीच में या सीधे हाथ की तरफ हल्का सा दर्द होना, लीवर एंजाइम्स का लेवल का बढ़ जाना, मरीज़ को बहुत ज़्यादा थकान और कमज़ोरी महसूस होना, मरीज़ के जिस्म में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ना, मरीज़ को बार बार उल्टी आना या जी मचलाना उसके आँखों के नीचे या त्वचा का पीला पड़ जाना, मरीज़ को भूख ना लगना, पेट में दर्द होना, हथेलियों का लाल होना, त्वचा के नीचे बड़े नसों का दिखाई देना, ऐसे कुछ लक्षण फैटी लीवर की मरीज़ में दिखाई देते हैं। ध्यान रहे कि ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी में एक जैसे लक्षण दिखाई दे। इसके साथ ही लोगों में इस लक्षणों के अलावा अन्य लक्षण भी दिखाई देते हैं जो कि यहाँ नहीं बताए गए हैं। अगर आपके मन में फैटी लीवर से जुड़े लक्षणों के बारे में कोई शंका या सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि आखिर फैटी लीवर का क्या कारण होता है। अगर आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस है और जिस्म में ब्लड शुगर का लेवल ज़्यादा है तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ साथ लीवर में फैट जमने की शिकायत हो सकती है। वहीं अगर आप रिफाइंड कार्ब्स का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो ये लीवर में फैट स्टोर होने की प्रोसेस को बढ़ा सकता है। वहीं ज़्यादा मात्रा में शराब का इस्तेमाल करने से भी फैटी लीवर होता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा नहीं है लेकिन आपके पेट के आसपास फैट है तो भी आपको फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। मोटापे में लो ग्रेड की सूजन शामिल होती है, जिसमें लीवर में फैट स्टोर होने की प्रोसेस बढ़ जाती है। एक अंदाजे के हिसाब से 90% मोटे लोगों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ हो सकता है। इसके अलावा सोडा या एनर्जी ड्रिंक जैसे कि शुगर वाले लिक्विड चीज़ों का सेवन करने से आपको इस बीमारी की समस्या हो सकती है, क्योंकि इनमें मौजूद फ्रुक्टोज वयस्कों और बच्चों के लीवर में फैट जमने की प्रोसेस को बढ़ाता है। इन कारणों के अलावा क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस, उम्र और कुपोषण की वजह से भी फैटी लीवर हो सकता है।
आइए अब बात करते हैं कि फैटी लीवर का पता किन टेस्ट से चलता है। फैटी लीवर का पता लगाने के लिए डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री, शारीरिक जांच जैसे कि पेट पर लीवर वाली जगहों को दबाकर देखने के अलावा कुछ टेस्ट की भी मदद ले सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट की मदद। आपके जिस्म में लीवर एंजाइम का लेवल जांचा जाता है, जिससे में बढ़ा हुआ लीवर एंजाइम का लेवल आपकी लीवर पर सूजन का सिग्नल होता है, जिसके वजह से लीवर की इस बीमारी होने की डॉक्टर आशंका कर सकते हैं। फैटी लीवर से जुड़े अन्य टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। इसके अलावा डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई टेस्ट की मदद से भी लीवर की इस बीमारी की कंफर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा लीवर की अकड़न का पता लग करने के लिए डॉक्टर आपको वाइब्रेशन कंट्रोल ट्राइसेंट इलास्टोग्राफी भी करवा सकते हैं। किसी भी लीवर डिसीज़ की गंभीरता को जाँचने के लिए डॉक्टर आपकी लीवर की बायोप्सी करने की भी सलाह दे सकते हैं। लीवर बायोप्सी में डॉक्टर आपकी लीवर के टिश्यू की जांच करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि हम फैटी लीवर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फैटी लीवर को कंट्रोल करने के लिए कुछ तरीके आप अपना सकते हैं, जैसे कि अगर आप ओवरवेट है तो आप अपने वज़न को कंट्रोल करें। शराब के सेवन से ही फैटी लीवर आमतौर पर होता है, इसलिए आपको फैटी लीवर को कंट्रोल करने के लिए शराब के सेवन को बंद करना चाहिए। वहीं डेली रोज़ाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें, जिस समय ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल रखें। एक बैलेंस और न्यूट्रिशन डाइट का इस्तेमाल करें, जिसमें आप फल, हरी सब्जियां, दाल और फलियों को शामिल करें और मिठाइयां, चावल, ब्रेड का इस्तेमाल कम से कम कर दें। आइए अब बात करते हैं फैटी लीवर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। फैटी लीवर के लिए होम्योपैथिक इलाज में कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ इस्तेमाल होती है। इसमें सबसे पहली होम्योपैथिक दवा आती है चिरिडोनियम, जो कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेडिसिन है जो फैटी लीवर में इस्तेमाल होती है। अपर एब्डोमेन के राइट साइड में दर्द या फिर लीवर के अपने सामान्य आकार से बड़े हो जाने, जी मचलाने, उल्टी आने या फिर कब्ज़ की समस्या होने पर चिरिडोनियम लेने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। फैटी लीवर की वजह से मरीज़ को खाने पीने की इच्छा नहीं होती है और उसे कमज़ोरी भी ज़्यादा महसूस होती है। ऐसे में फैटी लीवर के लिए होम्योपैथिक दवा में चिरिडोनियम बहुत बेस्ट मानी जाती है। दूसरी होम्योपैथिक दवा जो फैटी लीवर के लिए इस्तेमाल होती है वो है लाइकोपोडियम। फैटी लीवर का होम्योपैथिक से ट्रीटमेंट करवाने के दौरान आपको लाइकोपोडियम बहुत कारगर साबित हो सकती है। लाइकोपोडियम दरअसल फैटी लीवर की समस्या होने पर अगर पेशेंट को एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ मरीज़ को पेट फूलने की समस्या है, उसके साथ मरीज़ को जलन है, इन सभी कंडीशन में मरीज़ फैटी लीवर के मरीज़ को लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करवाते हैं। तीसरी होम्योपैथिक दवा जो फैटी लीवर के लिए इस्तेमाल होती है वह है कलकेरिया काप। फैटी लीवर के लिए होम्योपैथिक इलाज में शामिल होम्योपैथिक दवा कलकेरिया का बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती है। अगर मरीज़ को पुराना कब्ज यानी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो ऐसी कंडीशन में मरीज़ को कलकेरिया का एक रामबाण इलाज माना जाता है। फोर्थ होम्योपैथिक दवा जो फैटी लीवर के लिए इस्तेमाल होती है वह है नक्स वोमिका। फैटी लीवर के लिए होम्योपैथिक इलाज के लिए नक्स वोमिका सबसे बेस्ट मेडिसिन में से एक है और ये रेगुलर इस्तेमाल होने वाली दवाइयों में से एक है। दरअसल अगर पेशेंट को लोअर एब्डोमिन में दर्द हो, स्टूल पास होने में मरीज़ को दर्द महसूस होता हो, तो इस कंडीशन में नक्स वोमिका प्रिस्क्राइब की जाती है। पांचवी होम्योपैथिक दवा जो फैटी लीवर के लिए इस्तेमाल होती है वो है कार्डस मारिनस। कार्डस मारिनस फैटी लीवर के लिए होम्योपैथिक इलाज की जो रेंज है, जो मेडिसिन है, उसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन है। कार्डस मारिनस आपको मदर टिंचर की शक्ल में इस्तेमाल होता है। अगर पेशेंट को जी मचलाना, पेट भरा मेरा महसूस होना, मुंह का स्वाद बिगड़ना या फिर लीवर सिरोसिस जैसी तकलीफों को दूर करने के लिए डॉक्टर कार्डस मारिनस का इस्तेमाल करते हैं। कार्डस मारिनस आपको मदर टिंचर की शक्ल में इस्तेमाल करना है। इन पांचों दवाइयों में से फैटी लीवर के लिए होम्योपैथिक इलाज में मरीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दवा चूज की जाती है। हालांकि ज़रूरत पड़ने पर दूसरी होम्योपैथिक दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है।
ये होम्योपैथिक दवाई आपको आपके नज़दीकी होम्योपैथिक केमिस्ट के पास बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको फैटी लीवर की समस्या से परेशान है तो बिना डॉक्टर के सलाह के इन दवाइयों का सेवन ना करें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में फैटी लीवर से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।